केसरिया जी का मंदिर ही है। इस प्रकार ये गोमती नदी आ रही है। आगे चल क्या आपको सब बताते हैं। केले का कुंड देख सकते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल माना जाता है इसको, केसरियानाथ। हाँ बोलो, केसरियानाथ जी का मंदिर है। अंदर जाके आपको नजारा बताते हैं इसका। बहुत बड़ा मंदिर है। सीढ़ियों के द्वारा हम केसरिया जी के दर्शन करेंगे। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये मंदिर। इस पर का नजारा देख सकते हैं आप। डिशन के द्वारा आप देख सकते हैं। गढ़ किनारे गोमती नदी में भगवान के दर्शन करने चलिए। अंकल ने वीडियो के लिए मना किया तो वीडियो बनाया हमने। ये दरवाजा भी है अंदर। कुछ चीजें पड़ी है, वस्त्र। बाहर का नजारा बताते आपको। कुछ इस प्रकार छतरी बनी हुई है। इससे आपने अंदाजा लगा सकते कितने साल पुराना मंदिर है। गोमती नदी का नजारा इस प्रकार आप उठाइए। पास में जाके आपको बताते हैं गोमती नदी। ये गोमती नदी का नजारा। ये छतरी बनी हुई है इधर देख सकते हैं। बीस हजार साल पुराना ये गोमती नदी। कुंड बना हुआ है इस प्रकार का नजारा। ये कुंड बना हुआ है केलेश्वर जी। ये केलेश्वर जी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। पहले मंदिर का नजारा देख सकते हैं आप। 1000 साल पुराना मंदिर है ये। गोमती नदी भी देख सकते हैं। जाते हैं अंदर केलेश्वर जी महादेव जी के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। बाहर का नजारा आपने देख लिया है। अब अंदर जाके अंदर का नजारा बताते हैं। चलते हैं अंदर। अभी हम पहुंच गए केलेश्वर जी के मंदिर के बाहर और अंदर जाके आपको दर्शन कराते हैं केलेश्वर जी महादेव जी। चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं आपको। तीन सौ साल पुराना ये आम का पेड़।
देखेगा हमने इस पर भी। अंदर का नजारा देख सकते हैं, केलेश्वर जी मंदिर है। और बाहर का नजारा एक बार और बताते हैं आपको।